नागपुर में समाज सेवा को समर्पित उन्नति फाउंडेशन की ओर से रविवार सुबह शहर पुलिस द्वारा सैकड़ों साइकिल चालकों का भव्य स्वागत किया गया। काटल रोड स्थित राजभवन के समीप सभी साइक्लोथॉन में भाग लेने वालों पर गुलाब के पुष्प की वर्षा की गई। नागपुर में भव्य साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रमुखता से पूर्व मंत्री अनीस अहमद, उन्नति फाउंडेशन के अध्यक्ष अतुल कोटेचा, वर्धमान अर्बन बैंक के अध्यक्ष अनिल पारख, अंकुर सीड्स के डायरेक्टर विशाल उमालकर, रिकॉन कंक्रीट के गिरीश बोथरा, समाजसेवी रमन पेगवार, मनीष छल्लानी, रिंकू जैन, वनराइज संस्था के सचिव नीलेश खांडेकर, कारपोरेट एस्ट्रोलॉजर अभिषेक सोनी, प्रदेश कांग्रेस सचिव संदेश सिंगलकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप बत्ता, सचिन विपानी उपस्थित थे। महिला सुरक्षा व सामाजिक सौहार्द को कायम रखने हेतु इस आयोजन को सफल बनाने के लिए समस्त अतिथि द्वारा पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, अपर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, डीसीपी गजानन राजमाने का भव्य सत्कार किया गया। अतुल कोटेचा ने प्रस्तावना रखते हुए बताया कि संस्था द्वारा सामाजिक, शैक्षणिक व धार्मिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर युवाओं में नई चेतना संचार करती है। श्री कोटेचा ने कहा कि नागपुर पुलिस द्वारा साइकलोथॉन के माध्यम से अनेक लोगों की हेल्थ को कई तरह के फायदे मिलेंगे। इस वक्त ढोल ताशा ध्वज पथक के कलाकारों के साथ तिरंगे गुब्बारों से आम जनता ने भारत माता की जयकारों से राजभवन इलाके को गुंजायमान कर दिया। आज हमारा नागपुर पुलिस द्वारा आयोजित साइकलोथॉन है और आज काफी उत्साह में काफी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। जैसा मैंने पहले बताया था, विमेन सेफ्टी, ट्रैफिक डिसिप्लिन और ओवरऑल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इस उद्देश्य से रैली और ये साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। मुझे विश्वास है कि जनता और पुलिस में और ज़्यादा समन्वय बढ़ेगा और ज़्यादा एक बॉन्डिंग होगा और हम लोग मिल के शहर को और ज़्यादा शांत कर पाएंगे। ये 12 किलोमीटर की साइक्लोथॉन रैली है, ये रेस नहीं है, ये एक रैली है और करीब एक घंटे में ये खत्म होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे फिर से प्रोग्राम है। इसमें कौन-कौन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? शहर की जनता की पार्टिसिपेशन है और माननीय पालक मंत्री के गाइडेंस में ये पूरा आयोजन किया गया है और जनरल पूरे शहर के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? टोटल हमारे पास रजिस्ट्रेशन अंदाजन 4000 लोगों का आया था। एग्जैक्टली कितने लोग हैं अभी वो इवेंट के दरमियान पता चलेगा। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर।